और बजट सत्र को लेकर बहुत बड़ी खबर है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बजट सत्र, 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा। अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान संभव हैं, कोई बड़ा विधायी कार्य एजेंडे में नहीं। तो ये बड़ी खबर है बजट को लेकर। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बजट सत्र होगा, 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा। चूंकि ये चुनावी वर्ष है इसलिए बजट अंतरिम होगा और वो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है बजट सत्र को लेकर और साथ ही अंतरिम बजट को लेकर? 31 तारीख से बताया जा रहा है कि संसद का जो बजट सत्र है वो शुरू होगा। 31 तारीख को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले दिन 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। चूंकि चुनावी साल है जैसा आपने बताया, तो अंतरिम बजट पेश होगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक इस बजट में भी सरकार बड़े ऐलान करेगी। जिस तरह सरकार को भरोसा है फिर से वो चुन के आएंगे, तो ऐसे में आपको अंतरिम बजट जैसा इससे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये फुल फ्लेज बजट की तरह इसमें अनाउंसमेंट किए जाएंगे और साथ ही साथ 9 फरवरी तक बताया जा रहा है कि बजट सत्र चलेगा। अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कामकाज सत्र में नहीं रखा गया, क्योंकि बहुत छोटा बजट सत्र है होता है, तो ऐसे में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट, यही दो महत्वपूर्ण विधायी कामकाज जो है इस बजट सत्र में होंगे। शुक्रिया आनंद पांडे आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। संसद के बजट सत्र से जुड़ी ये अहम जानकारी इस वक्त आपके सामने है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा।